easy go. हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अनदर कस्टम रूम के वीडियो में। तो कैसे हमारा स्पेक्टेड मोड वाला ही गेम प्ले हो रहेगा, या सॉरी स्पेक्टेड मोड से हम इधर सब देखने वाले। तो देखते हैं गाइस, अभी 37 बंदे हैं टोटल, टीम है अभी शो नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, शो हो जाएगा ना अभी 5 सेकंड में हमारे प्ले नोटिक। अभी देखते अभी कौन सी टीम कहाँ से कहाँ जाना प्रेफर करेगी और क्या पाथ बनता है। तो गाइस यहाँ से पाथ बन चुका है, फिर मोस से लेके सेवर नहीं तक यहाँ पे पाथ जा रहा है। तो देखते गाइस अभी कितनी टीम है हमारे पास। टीम है 37, सॉरी अलाइव है 37 एंड टीम है 12 पूरे। तो देखते गाइस अभी कौन सी टीम क्या किसे और कैसे स्ट्रेटजी दिखाना पसंद करेंगे। यहाँ पे क्यू गन शॉट जो कि अमीर बंदा है उनका प्लेन पे यहाँ पे आ चुका है। तो अभी देखते गाइस, जिस किसी ने भी अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो, कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा आपको। तो देखते हैं अभी यहाँ पे टीम नंबर 12 आई थिंक सो वो लोग जा रहे, वो लोग प्रीमोस जा रहे। तो देखते हैं कैसे अभी तक कोचिंग के कह सकते हैं सर्वर ने, तो हॉट ड्रॉप बन रहा आजकल बन चुका है, आई डोंट नो कैसे बना हो एकदम से। एंड जॉर्ज पुल पे देखते हैं कितने स्क्वाड जाना पसंद करेंगे। एज यू कैन सी तो नोवो एंड मिलिट्री पे इस बार कोई नहीं गया, आई डोंट नो व्हाई। एंड देन यहाँ पे हमारे प्रति गेमर जो कि सोलो खेल रहे, वो आई थिंक सो सर्वाइव करके गेम निकालने का पूरा ट्राई करेंगे। तो देखते हैं गाइस अभी। एंड यहाँ पे टीम नंबर 13 जो कि जा रहे डीओ खेल रहे, वो आई थिंक सो वो लोग इधर कोचिंग की जाने की चांसेस है। एंड यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे टीम नंबर 15 एंड उनको कंपनी देने के लिए आ रही शायद से, ये टीम नंबर 16 शायद से, या यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे आई थिंक सो दो स्क्वाड है, नहीं यहाँ पे तीन स्क्वाड है। टीम नंबर 10 का क्या बात है, टीम नंबर 10 भी इस बार यहाँ पे उतर गई है, क्या बोलूं, वो लोग इधर उतर गए, नाम नहीं याद आ रहा, हाँ जॉर्ज पुल पे उतर गए वो लोग, क्या करेगा इधर भी। एंड यहाँ पे टीम नंबर 8 हमारे यहाँ पे सर नहीं पे आ चुके अभी। तो देखते कैसे यहाँ पे हम देख सकते हो, तो यहाँ पे यस ने हमें दो टीम जाते हुए दिख रही डेड एंड वाली। एंड यहाँ पे आयुष ने यहाँ पे टी एम फोर से यहाँ पे विक्की को यहाँ पे नॉक कर दिया। यहाँ पे दक्षिण तो बढ़ गई में और उनकी स्क्वाड भी यहाँ पे आई थिंक सो वो लोग जा रहे हैं, स्नैक के साइड जा रहे हैं। यहाँ पे जोन बन चुका है तो पूरा ऊपर की साइड थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है जोन यहाँ पे। एंड यहाँ पे एडिस ने यहाँ पे एंग्री यश को आयुष को सॉरी नॉक कर दिया, तो हम ये फाइट पूरा कवर करेंगे, ट्राई करेंगे पीयूष को यहाँ पे, और पूरा फिनिश मिल चुका है पीयूष को। देखते कहीं से भी क्या सिचुएशन क्रिएट हो चुका है। आई थिंक सो टीम नंबर 10 पिच के साइड लुट रही है, बट पूरी आई थिंक यहाँ पे डेड स्कल ने यहाँ पे माइटी ओवरलोड के यहाँ से हाथ से उड़ा दिया, क्या क्या चल क्या रहा है गाइस, आई डोंट नो। यहाँ पे पूरा फिनिश कर दिया है माइटी ओवरलोड को। तो यहाँ पे आई थिंक सो टीम विकी को यहाँ पे विकी को रैप मिल चुका है। यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे टीम नंबर 15 के 3 बंदे, टीम नंबर 16 के भी 3 बंदे, बट टीम नंबर 16 के 2 बंदों की, एक का कुछ ज़्यादा ही एच पी लो है। एंड यहाँ पे गन शॉट का भी थोड़ा स्पिल हुआ है, बट उनके पास एक एडवांटेज है कि उनके पास 4 बंदे पूरे। तो यहाँ पे आयुष आई थिंक सो शॉट्स ले रहे ये डीपी से आयुष, एंड एसके से शॉट्स आ रहे शायद से टी नंबर 16 की तरफ से। एंड यहाँ पे शॉट्स लेंगे क्या, शॉट्स अपना लोकेशन रिवील नहीं कर रहे वो लोग। तो आई थिंक सो एक तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे टीम नंबर 15 यहाँ पे फंस रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि बाकी दोनों टीमें बाहर है। और यहाँ पे शॉट्स लेंगे, और यहाँ पे एंग्री ने यहाँ पे क्यू दीप ओपी को, यहाँ पे एंग्रेश ने यहाँ पे दीप ओपी को यहाँ पे नॉक दे दिया है, तो कोई बात नहीं उसको रैप मिल जाएगा। वो लोग कितनी जल्दी पुशने मारने वाला आई नो। एंड एंग्रेश और उनकी स्क्वाड यहाँ पे फटाफट लूट रही है, कह सकते टीम नंबर 15 लूट रही है, और वापस से शॉट्स आ रहे हैं उनके ऊपर, लाइक वो लोग फंस रहे हैं पूरी टीम नंबर 15 फंस रहे। यहाँ पे निक ने यहाँ पे उड़ा दिया है एक बंदे को जो कि फाइट हो रही है हमारे रोजक में हो रही है वो फाइट, और पूरा फिनिश कर दिया यहाँ पे निक ने। तो हम वो फाइट फटाफट कवर करके आते हैं, एक सीन आपको दिखा देते हाइट लाइट कह सकते हो। तो यहाँ पे डेड स्लैशर वाइट ने यहाँ पे 1+ शैडो को नॉक एंड फिनिश कर दिया पूरा बाइजन से। यहाँ पे क्रॉस आईक्यू या क्रॉस निंजा जो कह सकते हैं, यहाँ पे दो स्क्वाड बचे, सॉरी दो टीम दो प्लेयर बचे। तो अब देखते क्या क्या ये सिचुएशन को, या
एब्सॉर्ब कर पाएंगे जो सिचुएशन अभी लेट क्रिएट हो रहा है. लेट्स सी गाइस. एंड यहाँ पे क्यू दी ओपिन यहाँ पे बैड को यहाँ पे वैसे अच्छा सा नॉक दे दिया है. हम फिर से वो फाइट कवर करने को जा रहे तो लेट्स गो गाइस. तो कतई जहर वाली यहाँ पे मिलिट्री में फाइट चल रही बट हमारा क्या करे रेंडर नहीं हो रहा अभी हम उसमें करने के कर नहीं सकते ऐसे. एंड यहाँ पे गन शॉट या टीम नंबर 10 यहाँ पे कुछ क्लोज इन कर रहे धीरे धीरे धीरे. एंड के और आगे जा रहे बाइजन से लेकर उनके ऊपर शॉट्स आ रहे हैं. यहाँ पे एंग्रेश ने उनको नॉक दे दिया है बट बाकी टीम दीप ने यहाँ पे आई थिंक सो बहुत क्लोज इन कर लिया है. यहाँ पे बैड उन बैड की बहुत हेल्थ कम है. क्या देख क्या सिचुएशन क्रिएट हो रहा है. यहाँ पे बैड ने क्यू रॉकी को यहाँ पे क्यूर को पूरा फिनिश दे दिया है. यहाँ पे बैड को पूरा नॉक करने का ट्राई. एंड यहाँ पे टीम नंबर 15 का ओपी क्या सॉरी टीम नंबर 10 यहाँ पे टीम नंबर 15 को लिमिट कर दिया बट अनफॉर्चुनेटली उनका बंदा यहाँ पे पूरा एक डेड हो चुका है. हम कह सकते हैं अभी उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते बट स्टील यहाँ पे टीम नंबर 16 जो कि फार ऑफ की स्क्वाड है वो लौट रहे जॉर्ज सिटी लौट रहे. अभी तो अभी टीम फाइट हमें देखने को मिलेगी. टीम नंबर यहाँ पे क्रॉस निंजा ने यहाँ पे डार्क स्लैशर Y2 के यहाँ पे नॉक दे दिया है. यहाँ पे क्रॉस आइकोन यहाँ पे पोरसप्ले को नॉक दे दिया है. तो यहाँ पे बहुत क्रिटिकल सिचुएशन पे यहाँ पे सिचुएशन हो चुका है. यहाँ पे पोरसप्ले यहाँ पे नॉक एंड आई थिंक सो निक भी यहाँ पे. तो ओपी गेम प्ले हमारा दिखा दिया है टीम नंबर 3 ने जो कि क्रॉस निंजा की स्क्वाड है. तो देखते हैं उनके पास पूरे 3 किले तो वो लोग इधर के फाइट जीत चुके टोटल. इन यहाँ पे टीम नंबर 2 देख सकते हो बहुत स्प्लिट है. तो देखते हैं गाइस अभी यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट होने वाला है क्योंकि टीम नंबर 10 और टीम नंबर 15 टीम नंबर 10 एंड टीम नंबर 16 कुछ ज़्यादा ही क्लोज है. दैट्स व्हाई सिचुएशन क्रिएट होने का बहुत चांसेस अभी कभी भी फाइट हो सकते हैं. बट यहाँ पे टीम नंबर 6 अभी आएंगे नहीं जॉर्ज पे पुश नहीं कर मारने वाले. तो फटाफट बंदे स्पॉट कर रहे तेरा हमारे ऊपर से पूरा ओवरव्यू तो देख सकते हो गाइस. ऐसा कुछ फाइट होने वाला है अभी देखते हैं क्या होता है. एंड यहाँ पे विक्की आई थिंक सो प्लान कर रहे शायद से और या वो भाई बहुत बड़ा प्लान कर रहा है वो. तो गाइस क्या बोल सकते हैं अभी हम. एंड यहाँ पे विक्की ने कुछ ज़्यादा प्लान कर दिया. एंड यहाँ पे विक्की यहाँ पे दीप ओपी ने यहाँ पे एडीएस को यहाँ पे नॉक दे दिया है ना अच्छा सा. एंड क्योंकि दीप ओपी यहाँ पे रश मार रहे एंड यहाँ पे उनके सामने ओ एक एम का अच्छे से शॉट्स कनेक्ट हुए दीप ओपी को. बहुत लिटरली बहुत कम एच पी बचा एंड वो फर्स्ट एड यूज़ कर रहे क्या फर्स्ट एड लगा पाएंगे. यहाँ पे बंदा आ चुका है वो क्या उसके पीछे मॉली लगाए क्या आई डोंट नो. यहाँ पे दीप ओपी को यहाँ पे नॉक दे दिया है एंड उसके अरे यार वो तो ग्लिच है. एंड यहाँ पे उजी का स्प्रे उची यूज़ कर रहे बट यहाँ पे गन शॉट यहाँ पे एडी डोमिनेटर को यहाँ पे पूरा फिनिश कर दिया है. एंड यहाँ पे सिचुएशन करके रेट हो चुका है आई डोंट नो आई थिंक. यहाँ पे रश या कह सकते हैं यहाँ पे टीम नंबर 6 यहाँ पीछे से यहाँ पे थर्ड पार्टी कर रही पूरी क्या करेगा इसे. सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो रहा है पूरा या गेम फंस रहा है. यहाँ पे नेट बहुत अच्छा कनेक्ट हो सकता है इनका नेट आई थिंक सो या बाहर ही फूटा नेट. वो फटाफट बैंडेज अप्लाई कर रहे हैं लगा रहे बैंडेज. और यहाँ पे टीम नंबर 6 भी यहाँ पे धीरे धीरे क्लोजिंग कर रहे नोवो पे सॉरी जॉर्जो पे. डीपी 4x रश गॉड के पास तो अभी देखते क्या कमाल करती है उनकी गन. यहाँ पे रॉकी ने यहाँ पे एडीएस के एक बंदों को यहाँ पे नॉक दे दिया अच्छा नेट कह सकते हो हम उनका बहुत ही कत्ताई वाला. बट यहाँ पे मॉली यहाँ पे खुद के ऊपर मॉली डाल दिया क्या. एंड यहाँ पे गनशॉट ने यहाँ पे टीम विक्की को यहाँ पे उड़ा दिया. बट आई थिंक सो उनको नहीं पता कि यहाँ पे टीम नंबर 6 क्लोज इन कर चुके ऑलरेडी स्क्वाड. एंड यहाँ पे रश गॉड अंदर घुस रहे क्या रश गॉड नॉक होंगे. यहाँ पे गनशॉट रॉकी यहाँ पे नॉक हो चुके तो यहाँ पे दीप ओपी जा रही है गेम का शॉट्स लेके बट अनफॉर्चुनेट कनेक्ट न हो पाए थोड़ा कनेक्ट है. बट यहाँ पे रश दीप का बहुत हेल्थ कम है. यहाँ पे दीप ने यहाँ पे JS रेहान को यहाँ पे नॉक दे दिया है. एंड मॉली आ रहे और मॉली कनेक्ट हो चुका है दीप ओपी को और वो क्या पूरा फिनिश होंगे नहीं आई थिंक सो. यहाँ पे गन शॉट अकेले बच्चे है. अरे यहाँ पे दीप ओपी पूरा फिनिश हो चुके एंड यहाँ पे नेड आ चुका है. यहाँ पे बहुत प्यारा सा रश गॉड का अच्छा नेड है यहाँ पे वो पूरी
कह सकते हो वहाँ पे वो टीम नंबर 10 यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे उनके पास चार किल है, इधर स्क्वाड के पास से पूरे 3 किल। तो गाइस इसी तरफ से हमारा फर्स्ट ड्रॉप आता हुआ एंड ड्रॉप पे हम जरूर देखना पसंद करेंगे क्या है, बट आई थिंक सो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि टीम नंबर 3 ने हमारा ड्रॉप रुक चुका है, तो हम उनको जाके स्पेक्टेट करके पता कर लेंगे कि वो ड्रॉप में क्या है। यहाँ पे आई थिंक सो बर्ड गेमिंग के साथ उनके फाइट होने के बहुत चांसेस थे। देखते गाइस अभी तो कहा आई थिंक सो मुझे नहीं लगता कोई फाइट होगी यहाँ पे, बट स्टिल हम दिखाएंगे आपको सब। तो गाइस इस तरह से हमारा ड्रॉप नंबर 2 आ चुका है, तो उसमें AWM भी पूरा लेवल 3 का गियर निकले एक्सटेंडेड आ चुका है, तो बहुत अच्छा कम या बहुत अच्छी प्यारी स्नाइपर हम कह सकते हैं। यहाँ पे 10 नंबर 8 जो कि स्प्लिट होकर लोटरे, टीम नंबर 9 भी डीओ बंदे अपने स्नै लोटरे, एंड देखते गाइस यहाँ पे 10 नंबर 13 आई थिंक सो डीओ खेल रहे, एंड यहाँ पे टीम नंबर 12 भी यहाँ पे वो धीरे धीरे करके जोन में क्लोजिंग करेगी। तो देखते गाइस क्या होता है अभी का, तो यहाँ पे जोन बन चुका है, तो ऊपर की साइड बन चुका है पूरा, तो ऊपरी साइड जा चुका है जोन एंड थोड़ा शूटिंग रेंज में भी है जोन। तो देखते हैं गाइस आई थिंक सो ऊपर की साइड शिफ्ट होगा पूरा सेवर्नी साइड, आई थिंक सो चांस है कि पूरा जोन शिफ्ट होने का इस आखिर के जोन, बट देखते गाइस क्या होता है। एंड यहाँ पे आई थिंक सो यहाँ पे कौन ड्रॉप पे गया है, कौन ड्रॉप पे गया है, क्लिक क्यों नहीं हो रहा यार इधर। आई थिंक सो ड्रॉप नंबर 2 अनलूटेड है शायद से, अभी तक तो क्लिच है शायद से कुछ तो नहीं यार, लूट हो चुका है ड्रॉप का, आई थिंक सो टीम नंबर 3 ने लूट चुका है। तो देखते गए सभी, और यहाँ पे प्लेयर ड्रॉप आ चुका है, तो यहाँ पे फॉर ऑफ और उनके स्क्वाड ने पे ड्रॉप मंगा लिया। यहाँ पे AWM में Emote 49 ओपी कम हम कतई कह सकते इसको, एंड यहाँ पे एक पेन किलर आ चुका है, तो AWM में 20 बुलेट एंड Emote 49 100 बुलेट आ चुके हैं, नेक एक्सटेंडेड AR आ चुका है प्लस क्विक ड्रॉ। तो देखते हैं गाइस अभी क्या होता है, अभी तक तो हमें यहाँ पे कोई फाइट देखने को नहीं मिल रही। एंड यहाँ पे आई थिंक सो ड्रॉप नंबर 4 जो कि अभी प्लेयर ड्रॉप है एंड जो कि बर्ड गेमिंग और उनके स्क्वाड ने मंगाया, यहाँ पे MK14 विद ऑक विद दोनों के 60 बुलेट के AR सप्रेसर एंड एक फर्स्ट एड एंड एक मिलिट्री वेस्टर्न एक हेलमेट आ चुका है लेवल 3 का। देखते हैं गाइस अभी क्या होता है, फाइट हमें यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिल गए। यहाँ पे आई थिंक सो प्रत्येक गेमर जा रहे ड्रॉप के साइड, तो स्टील और गाइस हमारे इसी तरह से हमारा ड्रॉप नंबर 5 आ चुका है जो कि हमारा नॉर्मल ड्रॉप है, तो इसमें AWM में एक्सटेंडेड AR प्लस क्विक ड्रॉ जो कि स्नाइपर का एंड पूरा लेते का गियर, तो अच्छा कम आई थिंक सो टीम नंबर 8 पिक करने के ड्रॉप बहुत चांसेस है या हार्ड चांसेस हम कह सकते। तो देखते गाइस अभी, एंड यहाँ पे 10 नंबर टच क्यों नहीं हो रहा ये वही यार, हाँ ये तो टीम नंबर 13 है। तो देखते आई थिंक सो फार अप की साइड जा रहे हैं, बट देखते गाइस अभी क्या होता है, आई थिंक सो इधर फाइट होने का बहुत चांसेस है क्योंकि क्रॉस की स्क्वाड एंड डेड एंड की स्क्वाड पे जा रहे हैं, फाइट होने का बहुत चांस है बट नहीं होगे चांस, नहीं जा रही या किस किस स्ट्राइक ओपी के साथ फाइट होते आई डोंट नो, या फाइट होने के पूरे चांसेस है। आई थिंक सो इन लोगों को पता चल जाए कि स्क्वाड आ रही है, या घुमा लिया है यहाँ पे बंदों ने, एंड यहाँ पे शॉर्ट्स यहाँ पे बर्ड गेम है और उनके स्क्वाड के ऊपर यहाँ पे शॉर्ट्स आ रहे एंड थोड़े से शॉर्ट्स कनेक्ट हुए, बट यहाँ पे ट्रू विजय यहाँ पे नॉक दे दिया है, स्कल ने यहाँ पे डेड एंड स्कल ने यहाँ पे विजय को यहाँ पे नॉक दे दिया है अच्छे से, एक एम का यूज़ करते हुए उसको पूरा फिनिश करेंगे और उसका फटाफट डब्बा लूटने का वो ट्राई करेंगे, बट यहाँ पे आई थिंक सो यहाँ पे बहुत चांस है क्रॉस निंजा की स्क्वाड या थर्ड पार्टी करे, बट नहीं करेंगे वो लोग, यही डिसएडवांटेज होता है बग्गी का, अभी क्या बोल सकते हम।
और यहाँ पे रश गॉड ने यहाँ पे प्रत्येक गेमर जो कि सोलो बंदे थे उनको यहाँ पे पूरा फिनिश दे दिया AWM के पैरा से। उसके बाद जोन देख सकते हो तो नीचे का शिफ्ट हो चुका है लाइक स्कूल एरिया तो जोन में, स्कूल का उसके लेफ्ट साइड वाले थोड़े एरिया तो जोन में। देखते हैं गाइस क्या सीन होता है, कौन सी टीम यहाँ से इससे घंटे निकल के चलती है। पिट्टी बंदे बच्चे टीम में अलग से यहाँ पे हमारा इसी तरह से ड्रॉप नंबर 6 आ चुका है। यहाँ पे इस वाले ड्रॉप में हम जरूर चेक करेंगे क्या है। तो यहाँ पे M249 विद पूरा लाल थ्री का गियर आ चुका है विद 100 बुलेट एंड यहाँ पे टीम नंबर 8 यहाँ पे कैम करके खेल रही पूरी हम कह सकते हैं। तो उनको उनको कोई जल्दी नहीं, उनके चारों बंदे इधर है क्या। तो उनके चारों बंदे इधर ही अभी वो कभी भी जोन में निकल रहे वो लोग पूरे। तो अभी भी देखते क्रॉस आई क्योंकि स्क्वाड कहाँ बाहर जा रहे हो जोन से। वैसे नए अपार्टमेंट होल्ड करके नया पे टीम नंबर 12 यहाँ पे कुछ कर लगे दिखा रही वे। टीम नंबर 12 ने भी अपना एक कह सकते हो उनके पास अभी तक एक भी व्हीकल नहीं, बट उन्होंने यहाँ पे टीम गोगो के एक बंदे ने यहाँ पे फे उसने कार 98 यहाँ पे पिक कर लिया है। अभी देखते आई थिंक सो 66 है क्या उसके पास, देखते कैसे भी हम क्या कर सकते इसके बारे में। और हमें जोन में ऑलरेडी गेम में 20 मिनट हो चुके हैं। तो देखते गाइस क्या सीन क्रिएट होने वाले। तो यहाँ पे टीम नंबर 8 भी धीरे धीरे जोन के अंदर मूवमेंट स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने करना एंड धीरे धीरे करके जोन भी हमारा क्लोज इन कर रहा है। और यहाँ पे फार ऑफ की स्क्वाड है टीम नंबर 12 के बीच में फायर फाइट होने चांसेस है क्या। रेहान यहाँ पे नॉक होते होते बच गए। यहाँ पे ATN यहाँ पे बहुत अच्छे सा शॉट M249 कर लेके अभी टीम गोगो के फेयर को यहाँ पे नॉक दे दिया। यहाँ पे आई थिंक सो टीम नंबर 12 यहाँ पे फंसने वाली है पूरी स्क्वाड। यहाँ पे देखते हैं आई थिंक सो यहाँ पे टीम नंबर 13 आ रही क्या, नहीं मुझे लगा 13 भी आ रही, बट देखते भी क्या अभी क्या इस वाले सिचुएशन से निकल पाए कि यहाँ पे ग्राउंड यस। तो यहाँ पे फटाफट रहे हैं वो फटाफट हील कर ड्रिंक लेके रेडी हो गए हो रहे एंड उनके अपोनेंट की तरफ से नेट आ रहे, बट देखते किस केसेस इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। उनके पास AWM विथ अटैक्स रश स्क्वाड के पास एंड आई थिंक सो टीम नंबर 12 यहाँ पे पीछे से जोन के साइड मूवमेंट कर रही या जा रही। आई थिंक सो रेनो के यहाँ पे TGG रेनो के फाइट होने के चांसेस यहाँ पे नॉक होगा। ATA नॉक होने के बहुत बड़े चांसेस बढ़ गए। यहाँ पे ATA को नॉक दे दिया है अच्छा सा रेनो ने AK में 2x का स्प्रे देखे। यहाँ पे पूरा फिनिश कर रहे ट्राई कर रहे बट यहाँ पे रश गॉड का उनके ऊपर अच्छे अच्छे शॉट्स आ रहे, बट आई थिंक सो रेनो यहाँ पे नॉक होने के पूरे चांसेस या रेनो प्ले जोन से नॉक हो चुके हैं। अभी क्या उनको रैप मिल पाएगा आई डोंट नो। अभी देखते आई थिंक सो उनको रैप मिल जाएगा। और यहाँ पे ATA को भी यहाँ पे फटाफट दे दिया है रैप एंड वो फटाफट फर्स्ट एड ला के उधर रेडी हो जाएंगे यहाँ पे। एंड रश गॉड भी यहाँ पे नॉक होने का पूरा चांसेस अपोनेंट या टीम नंबर 13 के तरफ से यहाँ पे M16 विथ 4x या 3x का कुछ स्प्रे आ रहा है। अभी क्या होगा क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ। अभी भी M16 ही यूज कर रहे हैं वो आई डोंट नो वाई एंड क्या शॉट्स कनेक्ट रश गॉड क्या कर रहा है क्या भाई के पास 4 किले उनके पूरे टीम के पास 5 किल एंड आई थिंक सो स्पाइट हो चुका। जेस रेहान यहाँ पे TGG रेनो के यहाँ पे नॉक दे दिया है। रश गॉड ने यहाँ पे कुश को यहाँ पे नॉक दे दिया। यहाँ पे रिया जो कि टीम नंबर 12 की थी वो भाग गई या बग्गी लेकर जोर में जा रहे। यहाँ पे कुश या कह सकते इलेक्ट्रिक अपने बंदे को यार टीम नंबर 13 का बंदा जो कि कुश है उसको रैप मिल पाएगा उनके पास उस साइड तो जा रहा है वो देखते उसको रैप मिल गया नहीं। आई डोंट नो वाई रश गॉड इज नॉट रशिंग। रश गॉड ने रश मारना चाहिए तो फटाफट निकल या कह सकते हो उसको 2 किल रजिस्टर हो जाएंगे। यहाँ पे TGG रेनो जो कि टीम नंबर 12 की तरफ से खेल रहे थे उनको पूरा फिनिश प्ले जोन से फिनिश हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ को यहाँ पे मिल चुका है रैप मिल चुका है वो फटाफट मेडकिट लगा के फॉल बैक कर रहे हैं उनकी पूरी टीम नंबर 13 फॉल बैक कर रहे हैं। यहाँ पे अच्छे शॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिक के ऊपर M4 विथ बट अनफॉर्चुनेटली क्रॉस आइकोन या फिर रिया को यहाँ पे दे दिया है AKM विथ
AKM Sinnoh, आप इसी तरह से मेरा ड्रॉप नंबर 7 आ चुका है यहाँ पे, ऑग विथ पूरा 60 पूरे 10 पूरे लग गया है, एक रिंच आ चुका है, तो देखते हैं गाइस क्या होता है यहाँ पे, क्या AWM से या रश गॉड का अच्छा सा शॉट्स कनेक्ट हुए एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक यहाँ पे नॉक हो चुका है, यहाँ पे सामने बंदा आई डोंट नो यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे डेक्सपुल ने यहाँ पे डेक्सपुल को नॉक दे दिया है, यहाँ पे डेक्सपुल को पूरा फिनिश कर दिया, यहाँ पे कुछ की स्क्वाड या टीम नंबर 13 यहाँ पे पूरे लिमिट हो चुके, तो यहाँ पे टीम में बचे 12 एंड सॉरी बंदे बचे 12 एंड टीम बचे 5, तो अभी देखते हैं क्या सिचुएशन क्रिएट होने वाला है अभी तो। और यहाँ पे ट्रूप नो जो कि टीम नंबर 2 के अकेले बंदे सर्वाइवल करके जा रहे, तो उनके पास AWM है पूरी, एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा था टीम नंबर 8 धीरे धीरे जा रही, तो उनको लाइक कोई इतना टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे टीम नंबर 9 जा रही, टीम नंबर 8 को जा रही, शायद से उनके पास पूरे 3 किल है, आई थिंक सो टीम नंबर 8 का बंदा आई थिंक सो जोन के बाहर से आ रहा है, आई थिंक सो इसके हिटमैन की फाइट होने के पूरे चांसेस से बंदा स्पॉटेड होगा, शायद से वो फटाफट फर्स्ट एड कर रहा है, आई थिंक सो उसको रैप फटाफट रश, ओ नेड आ रहे बट कनेक्ट नहीं हो रहे, देखते हैं क्या सिचुएशन क्रिएट होगा, क्या वो रश को क्या मार पाएंगे, क्या हिटमैन को शॉट्स पड़ेंगे, एम्पोरल 6x बट शॉट्स कनेक्ट नहीं हुए, थोड़े कनेक्ट हुए बट बच गए, एंड आई थिंक सो यहाँ पे टीम नंबर 8 की स्क्वाड आ रही पीछे से, एंड यहाँ पे रेहान यहाँ पे नॉक दे दिया, एंड यहाँ पे हिटमैन को भी यहाँ पे नॉक मिल चुका है रश गॉड ने, एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे डेड एंड को यहाँ पे क्रॉस आइको ने हेडशॉट देके उड़ा दिया, एंड स्ट्राइक ओपन यहाँ पे रश गॉड की स्क्वाड यहाँ पे एलिमिनेट होने के चांसेस नहीं, यहाँ पे रश गॉड का पूरा ट्राई कि वो बंदों को फिनिश करे, या बंदे को फिनिश करने का पूरा ट्राई किया, M4v6 स्प्रे कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा लिटरली थोड़ा एचपी होने के कारण वो बच गए, बट देखते हैं अभी गाइस अपने बंदों को रैप दे दिया है, रेहान को तो इजी पड़ जाएगा शायद से, भी देखते गाइस ओपन से बंदा जा रहा है डेडली, जयश कह सकते हैं R9 भी ओपन से आ रहे हो भाई, फटाफट उसको नॉक वॉल को फिनिश मार दो, उनका पूरा ट्राई एंड कवर पे आ रहा है, यहाँ पे और एक बंदा नॉक होने का पूरा चांसेस है, जयश के ऊपर स्ट्राइक ओपन, यहाँ पे जयश रेहान को यहाँ पे उड़ा दिया, एंड यहाँ पे क्या यहाँ पे डेडली जयश या कह सकते हैं डेडली जयश यहाँ पे, एंड क्रॉस आइको ने क्रॉस निंजा ने भी डेडली जयश को यहाँ पे नॉक दे दिया, पीछे से थर्ड पार्टी और एक क्रॉस के स्ट्राइक के ऊपर पूरे, एंड यहाँ पे R9 ने यहाँ पे रश स्क्वाड के पूरा उड़ा दिया मार दिया, एंड यहाँ पे आई थिंक सो क्रॉस की स्क्वाड यहाँ पे नहीं क्रॉस नहीं क्रॉस की स्क्वाड यहाँ पे कुछ नहीं, AWM का अच्छे से यूज करे वो, उनके पास होने को उनके पास एक एडवांटेज है, टीम नंबर बचे प्लेयर बचे 9 एंड टीम अलग है 4, तो फिर क्रॉस के पास है पूरे 4 किल, तो देखते गए तो क्या सिचुएशन क्रिएट होने वाले, अभी ट्रूबो नो एंड शॉर्ट्स आई थिंक कनेक्ट हो रहे के शायद से एक लीचे हो, एंड यहाँ पे हमें टीम मैच में ऑलरेडी 27 मिनट हो चुके, एंड उनके ऊपर कार वेंटेड के शॉर्ट्स आ रहे, एंड स्ट्राइक ओपी ने भी डेड एंड स्कल को यहाँ पे उड़ा दिया है, डीपी विथ 4x का अच्छा सा स्प्रे, आई थिंक सो यहाँ पे टीम नंबर 8 यहाँ पे रश मारने के पूरा चांसेस है, एंड यहाँ पे रश आ चुका है यहाँ पे टीम नंबर 8 की तरफ से, यहाँ पे एक बंदा नॉक स्ट्राइक ओपी को यहाँ पे नॉक मिल चुका है, एंड सेकंड को भी यहाँ पे या नहीं स्ट्राइक ओपी ने यहाँ पे अच्छा सा कवर फायर दे किया, कह सकते बैकअप टाइम पे आया इसलिए हिटमैन ने उनकी टीम नंबर 9 को पूरा एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पे ट्रू लोग यहाँ पे कैंपिंग कर रहे धीरे धीरे आ रहे यार, उसके पास पूरे दोनों बंदे आ गए थे, स्ट्राइक की स्कोर क्रॉस की स्क्वाड आ गई थी, यहाँ पे 4v2 का सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, तो यहाँ पे देखते हैं गाइस क्या सीन होगा, सॉरी तो यहाँ पे टीम 8 के पास है पूरे 5 किल, एंड टीम नंबर 3 के पास है पूरे वी दोनों के पास 5-5 किल, अभी देखते हैं सिचुएशन क्रिएट क्या होने वाला है, फटाफट सब लोग अपना अपना गन गोलियां डाग रहे पूरी 100 रिलोड कर रहे हुए, देखते
जोन अभी किसके साइड लेगा, कतई जोन तो ओपन में बना तो कतई मजा आने वाला है देखने को। तो फिलहाल तो कवर है क्रॉस के स्क्वाड के पास, तो बट हिटमैन या स्ट्राइक के स्क्वाड के पास पूरी बहुत एरिया है उनको कवर के लिए, लाइक आगे तक रिच है, बट वैसा सिचुएशन पे यहाँ पे हिटमैन ने यहाँ पे क्रॉस आई क्योंकि यहाँ पे नॉक दे दिया है। आई थिंक सो यहाँ पे पुश जाने का बहुत, पुश जाने का चांसेस बहुत बढ़ गए हैं, यहाँ पे पुश आ चुका है टी नंबर 8 की तरफ से। अभी क्या देखते हैं यहाँ पे इस सिचुएशन को क्रॉस निंजा कैसे हैंडल करते हैं। पुश आ चुका है ऑलरेडी यहाँ पे दो बंदों का, एंड यहाँ पे जा रहा है यहाँ पे M2 फर्न का अच्छा सा यूज करके यहाँ पे दे दिया, एंड यहाँ पे स्ट्राइक की टीम ने यहाँ पे चिकन डिनर निकाल दिया है। जी जी गाइस, तो यहाँ पे स्ट्राइक के स्क्वाड के पास पूरे 6-7 किल है स्ट्राइक की स्क्वाड के पास, एंड यहाँ पे टीम नंबर 2 क्रॉस के स्क्वाड के पास 5 किल, टेक्स पुल के पास है 0। तो कोई बात नहीं गाइस, ऑल प्लेड स्क्वाड, जी जी गाइस, वेल प्लेड, बाय गाइस। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.